होता है ना, बस यही प्रॉब्लम इसमें आ रही, एक एक बार हो जाता है, एक बार हो जाता है भाई चांस। लेकिन स्टार्ट हो जाए चाहिए, देखिए अभी हो गया, कितना प्ले बढ़िया ढोलक, फिर बंद करिए, बंद करिए, फिर स्टार्ट करिए, देखिए अब एक एक बार हो जा रहा है, एक बार नहीं हो रहा है। देसी एग्रो में आपका स्वागत है। स्वराज 963 एफई जो ट्रैक्टर है ये फिलहाल स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी देर तक चलाने के बाद भी इसका सेल्फ एक एक बार स्टार्ट हो रहा है, एक एक बार नहीं स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम इसका वही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, हम अभी इसको चेक कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे आगे कैसे इसको सेट सही करना है। देखिए अभी फिलहाल ये सेल्फ मार रहा है तो एक एक बार स्टार्ट हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, वो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाता हूँ। नहीं एक बार ये स्टार्टर वाला पूरा सेक्शन है, इसको बाहर निकालेंगे और इसके अंदर शायद कुछ मैग्नेट वगैरह ख़राब हो गया, इसको सही करेंगे तो वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप भी इसको सही करवा सकते हैं। जहांगीर बोल रहा नया कितने का होता है? सत्ता लगा चाहिए जब अच्छा, और इसका तो वेट काफी है, महंगा वाला, लेकिन बस के ऊपर स्पीड में ताकत और सिर्फ में लगाओ के लिए नहीं था देंगे, कम पोटेंसी में भी नचा दे, ताकतवर जब सेल्फ होता है स्पीड क्या होती है। तो हमारा सेल्फ भैया खुल के निकल चुका है, ये स्टार्टर है, इसी में कुछ प्रॉब्लम है, अब इसको देखते हैं, इसको पूरा खोलते हैं, ये रिपेयरिंग फेज में है फिलहाल। तो क्या चीज है ये? कार्बन, कार्बन है ये, बड़ा गर्म लग रहा है, बेस कार्बन है ना। और ये ऊपर वाला क्या चीज है चौहान जी? ये राकर प्लेट इसको बोलते हैं, इसको कटोरा बोलते हैं, ये कटोरा हो गया, सेल्फ कटोरा है, सेल्फ कटोरा, ये राकर प्लेट है, ये रॉकर प्लेट है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है? इसमें कार्बन स्प्रिंग है, कार्बन लगता है, ये अर्थिंग वाला है, ये मेन वाला है फील्ड वाला। अच्छा ये फील्ड वाला, चलिए ये क्या है? वो आर्मेचर है, ये फील्ड है, ये आर्मेचर है और ये फील्ड है हमारी, लाइए देख लें इसको भी, ये अच्छा यही है, ये तो हमारा आर्मेचर है ना, तो निकाल रहे हैं आप, इसको बोलते हैं बेंडेक्स, बेंडेक्स, चलिए सेंटर प्लेट है, आर्मेचर है जी,
फिलहाल इसमें डैमेज क्या लग रहा है अभी? डैमेज इसमें वैसे कोई इसी नहीं है, कोई दिक्कत, बस यही कार्बन है। कार्बन ये घिस गया है क्या? नहीं, घिसा तो नहीं है अभी। हाँ चलिए एक बार इसको साफ करके फिर लगाते हैं, देखते हैं। मतलब देखने में सब ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा इसमें कार्बन हो जाता है तभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। इसमें अगर कार्बन आ जाएगा तो इसको साफ कर लेंगे बालू पेपर से, हाँ तब भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। हाँ चलिए एक बार साफ करके देखते हैं। हाउसिंग? अच्छा ये हाउसिंग है? हाउसिंग, सिर्फ हाउसिंग है ये? तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब सेल्फ हो जाएगा। पार्ट्स को खोलने के बाद अच्छे से साफ कर लेंगे, पहले पार्ट जितने हैं सब खोल लीजिए अच्छे से, उसका इसको साफ कर लीजिए, फिर इसके बाद घिसने वाला प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके अंदर भी तो मैग्नेट टाइप कुछ लगा हुआ है। मैग्नेट का मतलब जब एक्चुअली में करंट आया तभी मैग्नेट बना था। अब यही चीज जो नए सेल्फों में वो हटा दिया है, जैसे कुछ सेल्फ ऐसे हैं जैसे आपके बोलेरो में है, इसमें यह कॉयल नहीं है, उसमें बोलेरो में उसके पहले वाले मॉडल में जो कोल्ड वाला सेल्फ आता था इसी उसमें उसमें होता है, उसमें एक कॉयल था, लेकिन अब उसमें कॉयल हटा दिया, सिर्फ मैग्नेट कर दिया है इसके बाजार में से। और जैक हटाओ, पता ना कहाँ ध्यान रह गया। मोटे दाने वाले से रगड़ेंगे। बगल में वेल्डिंग करते हैं कि नहीं? हो जाएगा थोड़ा सा वेल्डिंग करना? हो जाएगा, हो जाएगा।
पानी रोकने के लिए चौहान जी यही बना था तो वो तो अब करिए देखा विदेश वाले ने खोजे लगे नहीं तो चौहान जी कहाँ गई हैं विदेश में देखिए सही है कि उम्र से पहले मानो कि निकल जाए छात्र एक बार अभी बन गया तो बहुत हुनरमंद थे लेकिन अब लिए हैं बस नहीं जा पाए तो मैं डबल गया आप मेरे अभी आएंगे तो अब इतना दूर से जाएंगे अरे यार कोई एक साथ नहीं है तो कैसे दिक्कत है कोई भी हो चलिए भैया आप टेस्ट करके देखा जाए Thank you.
पहले पहुंच चुके हैं। फिट किया जाएगा अब, ये सही है लग रहा है। चलिए फिट करके देखा जाए अब इसको। तो जैसा आप देख सकते हैं कि फिटिंग हमने कर ली है दोबारा से, अपना स्टार्टर जो है सेल्फ हमने उसको दोबारा उसकी जगह पे लगा दिया है। अब हम स्टार्ट करके चेक करने वाले हैं कि जो हमने साफ किया है क्या वो सफल है या नहीं। अब स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब बेसिकली अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो पहले आप खोल के चेक कर लीजिए। जैसा हमने खोल के पूरे वीडियो में दिखाया है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी अंदर, सिर्फ हमने उसको साफ़ किया है, क्योंकि बता रहे थे चौहान जी जैसा कि उसमें कार्बन आ गया है तो बालू पेपर से उसको साफ़ कर दिया उन्होंने, फिर हम उसको सेट कर रहे हैं। अब स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं क्या यह सफल है या नहीं। स्टार्ट करा भाई, देखा जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये था कि स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ कार्बन आ गया था। और इस वीडियो में मैंने स्टेप बाई स्टेप पूरा खोल के दिखाया है कि कैसे आपको स्टार्टर को खोलना है और कैसे बांधना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को साफ़ करना है। तो आप उस वीडियो को अगर देख के चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। और अगर किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो अच्छा है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो सही कर देंगे। फ़िलहाल तो अभी आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो इस तरीके से आप इसको सही करके आराम से यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल तो ये ठीक काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें देसी एग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।